हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे और देखिए क्वेश्चन 48 में क्या दिया हुआ है। हमें मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। सो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ बी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियल एंड लेबर वेरियांसेस। मटेरियल वेरियांस मीन्स मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, प्राइस वेरियांस एंड मटेरियल यूजेज वेरियांस। एंड लेबर वेरियांस में भी सेम, लेबर कॉस्ट वेरियांस, लेबर रेट वेरियांस, लेबर एफिशिएंसी वेरियांस एंड लेबर आइडल टाइम वेरियांस। सो इस सब में आपको सारे वेरियांसेस एक साथ आ रहे हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है। वन टन ऑफ मटीरियल इनपुट एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 1 लाख यूनिट्स। अगर 1 लाख यूनिट्स बनाने हो तो 1 टन मटेरियल चाहिए। तो ये मटेरियल का इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये लेबर के लिए दिया हुआ है। स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे ₹606, ये भी लेबर के लिए दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ₹20 पर केजी, तो ये मटेरियल के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 10 टन्स, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल 21, एक्चुअल आउटपुट इज 9 लैक्स। अब ये देखिए 9 लाख का प्रोडक्शन हुआ है और आपको जो इन्होंने स्टैंडर्ड बताया है वो 1 लाख के लिए बताया है 1 टन। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 48 ऊपर हेडिंग देंगे मटेरियल वेरियांसेस। मटेरियल वेरियांसेस में नाउ इन्होंने फर्स्ट दिया है कि 1 लाख यूनिट्स के लिए 1 लाख यूनिट के लिए 1 टन। सो सेम 9 लाख यूनिट इन्होंने बनाए हैं। सो 1 लाख के लिए 1 टन चाहिए, तो 9 लाख के लिए 9 टन रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9 टन, 1 टन, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स। सो 9 टन इट मीन्स 9000 किलोग्राम्स। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9000 किलोग्राम्स। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, ये रहा स्टैंडर्ड फोर्थ पॉइंट में। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹20 पर किलो। सो स्टैंडर्ड प्राइस ₹20 पर किलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है। सो एक्चुअल क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 5, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन इज 10 टन्स। सो एक्चुअल क्वांटिटी 10 टन्स, 10 टन मीन्स 10,000 किलो। जहां भी टन दिया हुआ हो उसे आपको किलोग्राम करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड एक्चुअल प्राइस ये आपको पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल इज 21 पर किलो। सो एक्चुअल प्राइस इज ₹21 पर किलो। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली पहले। अब हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। सो फर्स्ट
मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9000 किलोस, स्टैंडर्ड प्राइस 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, एक्चुअल प्राइस 21. सो 9,000 इंटू 20 180,000 एंड 10,000 इंटू 21 210,000. माइनस करेंगे 180 माइनस 210, सो माइनस 30,000 विच इज अनफेवरेबल. ये अनफेवरेबल सिचुएशन है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. नाउ नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरियंस. ये नोट डाउन करने के लिए मैं लास्ट में, जैसे आपको सारे पेजेस एक साथ देता हूँ, आपको लास्ट में भी दूंगा. आपको अभी बीच में नोट डाउन करना है तो आप यहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हो. नाउ सेकंड नंबर, मटेरियल प्राइस वेरियंस. मटेरियल प्राइस वेरियंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. अब आपको फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए, इतने सारे सम हो गए हैं हमारे. सो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, स्टैंडर्ड प्राइस 20, एक्चुअल प्राइस 21. सो 10,000, 20 माइनस 21, सो माइनस 1. सो आंसर माइनस 10,000, विच इज अनफेवरेबल सिचुएशन. इन्होंने अंदाजा लगाया था कि 20 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस में मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन जब मार्केट में मटेरियल लेने गए तो 21 रुपीज लगे. यानी पर यूनिट 1 रुपीज ज़्यादा दिया. 10,000 किलो परचेस किया, सो 10,000 ज़्यादा दिया. दैट इज प्राइस वेरियंस. अब देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस माइनस 30,000 आया है और प्राइस वेरियंस माइनस 10,000 आया है. प्राइस वेरियंस एंड यूजेज वेरियंस, इन दोनों का टोटल कॉस्ट वेरियंस होता है. सो थर्ड, नाउ मटेरियल यूजेज वेरियंस. नाउ मटेरियल यूजेज वेरियंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर माइनस 20,000 आना चाहिए. क्योंकि माइनस 20,000 माइनस 10,000 तभी तो माइनस 30,000 होंगे ना ये. सो इसका आंसर माइनस 20,000 आना चाहिए. सो मटेरियल यूजेज वेरियंस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये है इसका फॉर्मूला. सो स्टैंडर्ड प्राइस रुपीज 20 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 10,000. सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ अवेलेबल है. जब एक बार आप सारी वैल्यूज लिख लेते हो तो सम सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. सो 20 9,000 माइनस 10,000, सो माइनस 1,000. माइनस 1,000 इंटू 20 माइनस 20,000, विच इज ऑल्सो अनफेवरेबल सिचुएशन. सो देखो, माइनस 20,000 एंड माइनस 10,000, माइनस 30,000 आ रहा है आंसर.
सो ये मैंने सॉल्व करने से पहले ही आपको बताया कि इसका आंसर -20,000 ही आना चाहिए। अब आप नोट डाउन कर सकते हो, ये हमने सारे मटेरियल वेरियंसेस कैलकुलेट किए हैं अभी तक। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है लेबर वेरियंसेस, मीन्स जैसे ये सारे के सारे मटेरियल वेरियंसेस हैं, इसमें ही इसी सम में लेबर वेरियंस कैलकुलेट करेंगे। सो होपफुली ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लेबर वेरियंसेस में आगे जाएंगे। सो लेबर वेरियंस की जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम पहले यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। नाउ मैं पहले हेडिंग दे रहा हूं, लेबर वेरियंसेस। सो लेबर वेरियंसेस में भी जैसे ये पूरी इंफॉर्मेशन है वो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। लेबर वेरियंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है बुक में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, 200 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। द स्टैंडर्ड रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज ₹6, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट लिख देते हैं। स्टैंडर्ड रेट ₹6 पर डे। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट 0.9, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉई इज 100 यूनिट, यानी एक एम्प्लॉई एक दिन में 100 यूनिट्स बना लेता है। अब यहाँ पर तो इनको 9 लाख यूनिट्स बनाने हैं। सो एक एम्प्लॉई एक दिन में 100 यूनिट्स बना लेता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ फॉर 100 यूनिट्स वन डे, एक दिन चाहिए। सो 9 लाख यूनिट्स बनाने में कितने दिन चाहिए। सो 9 लाख यूनिट्स डेज हाउ मच। सो ये है 9,000 डेज, इसका आंसर आएगा 9,000 डेज। 1 × 9 लाख, ये 100 डिवाइड में आ जाएंगे, 9,000 डेज चाहिए। सो ये है स्टैंडर्ड रेट और सामने हमने लिखा स्टैंडर्ड डेज कितने चाहिए। ठीक है, सेम जैसे हमने ये किया है ना, सेम मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ। अब हमें चाहिए एक्चुअल रेट। सो एक्चुअल वेज रेट इनको क्या मिला, एक्चुअल रेट। सो एक्चुअल रेट देखिए, पॉइंट नंबर 8, एक्चुअल वेज रेट पर डे इज ₹6.5। सो एक्चुअल रेट ₹6.5 पर डे, 6.5 पर डे पर एक्चुअल रेट मिला, एक्चुअल रेट। नाउ एक्चुअल डेज कितने लगे हमें वो भी कैलकुलेट करना है। सो एक्चुअल डेज, सो एक्चुअल डेज देख लेते हैं कितने एम्प्लॉयज ने काम किया है। द नंबर ऑफ डेज वर्कड 50 डेज काम किया है 200 एम्प्लॉयज ने। सो 200 एम्प्लॉयज इंटू 50 करेंगे तो 5 × 2 10,000 डेज काम हुआ है। 9,000 डेज का रिक्वायरमेंट था, 10,000 डेज काम हुआ है। और इसी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है लास्ट पॉइंट, आइडल टाइम पेड फॉर एंड इंक्लूडेड इन अबो इज हाफ डे। हाफ डे यानी हर एक एम्प्लॉई आधा दिन आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब होता है वेस्ट कर देते हैं टाइम को। सो आइडल टाइम विल बी 200 एम्प्लॉई और हर एक एम्प्लॉई हाफ डे आइडल टाइम में जा रहा है, मीन्स 100 डेज इन्होंने वेस्ट कर दिए। सो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली।
अब क्या आगे सिर्फ फॉर्मूलाज में हमें वैल्यूज ही रखने हैं? सो सबसे पहले फर्स्ट लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल्स टू, सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेज आपको पूरा लिखना है इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल डेज इनटू एक्चुअल रेट. सो स्टैंडर्ड डेज, स्टैंडर्ड डेज 9000 and standard rate 6 minus actual days 10,000 and actual rate 6.5. so standard days 9,000 into 6 54,000 minus 65,000, तो ये आ गया माइनस 11,000, विच इज अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर आवर बिजनेस. लेबर कॉस्ट वेरियंस, अब जैसे ही हमने लेबर कॉस्ट वेरियंस कैलकुलेट किया, सेम अब लेबर रेट वेरियंस कैलकुलेट करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस कैलकुलेट करेंगे एंड लेबर आइडल टाइम वेरियंस कैलकुलेट करेंगे. सो ये सबसे पहले लेबर रेट वेरियंस, जिसमें हमने फ्यू कैलकुलेशन सीखे एंड लेबर कॉस्ट वेरियंस सीखा. नाउ हम आगे सम करते हैं लेबर रेट वेरियंस. लेबर रेट वेरियंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. ये लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला है. सो आइए फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं. एक्चुअल डेज, सो एक्चुअल डेज हम यहां पर कैलकुलेट करके आए हैं, हर एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है. सो एक्चुअल डेज देखिए कितना दिया हुआ है, एक्चुअल डेज 10,000, स्टैंडर्ड रेट 6, एक्चुअल रेट 6.5. सो 10,000, 6 माइनस 6.5 माइनस 0.5 एंड माइनस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो आंसर आएगा माइनस 5,000, विच इज अनफेवरेबल सिचुएशन. सो ये था लेबर रेट वेरियंस. नाउ थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस का फॉर्मूला, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि लेबर एफिशिएंसी वेरियंस में हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं. कौन से? एक स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, और एक्चुअल आवर्स वर्क कैलकुलेट करने होते हैं एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स. से यहां पर स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड. सो स्टैंडर्ड रेट तो हमें यहां से मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रेट तो 6 रुपीस है, ठीक है. स्टैंडर्ड आवर्स भी हमें पता है 9,000, एक्चुअल आवर्स वर्कड. सो एक्चुअल आवर्स कैसे आएंगे? जो एक्चुअल डेज, सॉरी यहां पर डेज करना है हमें, फॉर्मूला में डेज कर देना,
ये स्टैंडर्ड डेज कर देना, यहाँ पर भी एक्चुअल डेज कर देना। सो एक्चुअल डेज वर्कड 10,000 एक्चुअल डेज हैं और उस 10,000 में से आइडल टाइम है 100 डेज। सो 10,000 माइनस 100 तो 9,900 डेज आ जाएंगे। स्टैंडर्ड डेज 9,000, एक्चुअल डेज वर्कड, फिर से बता रहा हूँ, ये 10,000 एक्चुअल डेज हैं, उसमें से 100 डेज आइडल टाइम। वर्कर्स ने 100 डेज तो वेस्ट कर दिए, सो 9,900 डेज इन्होंने काम किया है। सो 6 × −900 तो ये आंसर आ जाएगा −5,400 विच इज अनफेवरेबल। सो लेबर एफिशिएंसी वेरियंस है ये। नाउ लास्ट हम करेंगे लेबर आइडल टाइम वेरियंस। लेबर आइडल टाइम वेरियंस स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। सो स्टैंडर्ड रेट है हमारा 6 रुपीस इनटू आइडल टाइम है 100 डेज। सो 6 × 100 −600 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आइडल टाइम जो होता है वो हमारा लॉस होता है और लॉस को माइनस साइन के साथ दिखाया जाता है। सो यहाँ पर देखिए −600 एंड −5,400 तो ये हो जाएंगे −6,000 एंड −5,000। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा −11,000। सो यहाँ पर देखिए लेबर कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस एंड आइडल टाइम वेरियंस। सो स्टूडेंट्स नाउ आप नोट डाउन कर लो, ये लेबर वेरियंसेस हैं। और ये है इसका रेट वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस एंड आइडल टाइम वेरियंस। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए सम के साथ।